चलिए ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। यूपी में चुनावी हलचल के बीच बलिया से एसपी के प्रत्याशी नारद राय का रोता बिलखता वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें नारद राय बलिया स्थित अपने घर में अपने समर्थकों के साथ खड़े हुए हैं और अपने घर की छत पर बीजेपी का झंडा देखकर दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग हमारे घर में आग लगाना चाहते हैं। ये हमारा घर है, हमारे घर में भाजपा का झंडा लगाने वालों, हमारा दिल को तोड़ने वालों, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, मेरा बुरा हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि ये कहने के बाद नारद राय झुकते हैं और बिलखते बिलखते रोने लगते हैं। उनके हाथ से माइक भी छूट गया और वो नीचे गिर पड़े। जानकारी के मुताबिक ये राय के घर पर बीजेपी का झंडा उनके भाई ने लगाया है जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो प्रयागराज के करछना में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। जैसे ही अखिलेश यादव का भाषण खत्म हुआ, कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और मंच से लेकर हेलीपैड तक लगी बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बता दें कि एसपी प्रत्याशी उज्जव रमण के समर्थन में अखिलेश यादव जनसभा यहाँ पर करने पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जमकर उत्पात मचाया है, हंगामा किया है। दरअसल अखिलेश यादव की जनसभा के बाद जैसे ही ये जनसभा खत्म होती है तो उत्साहित समर्थकों ने यहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया। खबरें जारी हैं, लगातार रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। बड़ी खबर आपको बताए, मैनपुरी से आ रही करहल के बूथ संख्या 266 पर होगा फिर से मतदान। चुनाव आयोग से बूथ को लेकर शिकायत की गई थी। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान यहां पर होगा। बूथ कैप्चरिंग का वीडियो यहां से वायरल हुआ था, जिसके बाद अब इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से यानी चुनाव आयोग से की गई थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि एक बार फिर से यहां पर मतदान किया जाएगा। तो मैनपुरी करहल के बूथ संख्या 266 पर बूथ कैप्चरिंग का एक वीडियो बाकायदा वायरल हुआ था। उसके बाद से ही लगातार शिकायतें इलेक्शन कमीशन से की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि दोबारा यहाँ पर मतदान कराया जाए। और जब इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर तरीकों के साथ अपने नज़रिए से अपने द्वारा जब जाँच की तो उसके बाद इस चीज़ को सही पाया और अब एक बार फिर से कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग यहाँ पर की जाएगी। तो जसवंतपुर में कल दोबारा मतदान किया जाएगा। करहल के बूथ संख्या 266 पर पुनर्मतदान ये किया जाएगा और एक वीडियो वायरल यहां से हुआ था जहां पर बूथ कैप्चरिंग की बात कही जा रही थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को लगातार इसकी शिकायतें भी मिल रही थी। और जारी खबरें लगातार रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।